pressure? Pranali, what is meant by vapor pressure? ये तो मैंने बताई थी और कल हमने और एक डेफिनेशन पढ़ी मैं क्या डेफिनेशन थी वो Next point, the rods were
लॉर्ड्स लॉ एक्सप्लेन्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। रिलेशनशिप बिटवीन हो चुका नहीं है ये सर, तो देन आप लोगों को जल्दी जल्दी लिखना नहीं चाहिए कि इट इज ऑलरेडी डिस्कस। ओके सो रॉल्स लॉ एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ स्टेटेड दैट, द लॉ स्टेटेड दैट, ये भी हो चुका है। द लॉ स्टेटेड दैट राइटिंग कॉमा इंटू इनवर्टेड कॉमा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर ऑफ इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरी गुड मोल फ्रैक्शन। द लॉ स्टेटेड दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ओके सो देयरफॉर यस मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट इंटू एक्स वन, वेयर पी वन कौन है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इसका है वन लिखा मतलब ऑफ सॉल्वेंट, नॉट लगा इसका मतलब प्योर कंपोनेंट दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड एक्स टू इज एक्स वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके नाउ कैन वी अप्लाई सेम लॉ फॉर द सॉल्यूट ऑल्सो, यस कैन वी अप्लाई सेम लॉ फॉर द सॉल्यूट ऑल्सो, यस और नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है, इट इज ओनली दिस रॉड्स लॉ ओनली अप्लीकेबल फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट, लेकिन हमारा सॉल्यूट वोलाटाइल है क्या, इट इज अ नॉन वोलाटाइल, अगर वो नॉन वोलाटाइल नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इट इज वेरी लेस, सो रॉड्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, ओके रॉड्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर इज वेरी लेस, अगर हमने अप्लाई भी कर लिया तो उसका वेपर प्रेशर निगलिजिबल आएगा, तो इट कैन बहुत ही कम आएगा, सो इट कैन बी निगलेटेड। ओके सो राइट डाउन फास्ट, यस अगेन वहां पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिया हुआ है विच ऑलरेडी डिस्कस, वी नो दैट व्हेन वी प्लॉट अ मोल ग्राफ ऑफ मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर वी गेट द स्ट्रेट लाइन, यस और नो, इट इज ऑलरेडी डिस्कस। सो इट इज कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर वन, पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट इन टू एक्स वन, कंसिडर इट इज इक्वेशन नंबर वन। हो गया बेटा, ओके नाउ कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, व्हाट इज मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। ओके ये इतना हो गया सबका, नाउ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिंगल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, सो वी नो दैट एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन, यस और नो, सबका ध्यान बोर्ड पे होना।
होना चाहिए, कोई लिखेगा नहीं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। तो ऐसे केस में अगर हमने देखा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यस और नो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 1 होता है। यस, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन 1। सो पी 1 इज इक्वल टू पी 1 नॉट एक्स 1 की जगह पे 1 माइनस एक्स 2। सो मल्टीप्लाई क्या होगा, पी 1 नॉट माइनस पी 1 नॉट इन टू एक्स 2 दे आर 4। ओके, इसको इधर लेके जाएंगे और इधर। सो पी 1 नॉट माइनस पी 1 इज इक्वल टू पी 1 नॉट इन टू एक्स 2। यस, पी 1 नॉट माइनस पी 1 इज इक्वल टू पी 1 नॉट इन टू एक्स 2 कल हमने देखा था। बट पी 1 नॉट माइनस पी 1 इज इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। अरे कल देखा था ना, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेपर प्रेशर लोअरिंग। दे आर 4 डेल्टा पी इज इक्वल टू पी 1 नॉट इन टू एक्स 2। सो वेपर प्रेशर लोअरिंग किसके बराबर है? वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज अ कोरिलेटिव प्रॉपर्टी। पहले हमने देखो एक्स 1 के टर्म में लिखा था, फाइनली जो इक्वेशन हमने डिराइव किया जिसमें क्या आया एक्स 2, एक्स 2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट है ना। और हमने क्या बोला था, कोरिलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो प्रूफ किया हमने, हेंस वेपर प्रेशर लोअरिंग इज अ कोरिलेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन अ सॉल्वेंट। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? सो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जो स्टूडेंट न्यू है प्लीज ध्यान रखो कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगर आपने ऐड किया उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इसीलिए हमने एक्स 1 की वैल्यू क्या रखी, 1 माइनस एक्स 2। देन हमने एक्स 1 की जगह पे क्या पुट किया, 1 माइनस एक्स 2। देन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया एंड इस पैरामीटर को इधर और इस पैरामीटर को इधर लेके आए। तो माइनस पिकअप प्लस एंड प्लस पिकअप माइनस। तो पी 1 नॉट माइनस पी इज इक्वल टू डेल्टा पी, वेयर डेल्टा पी का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। ओके एवरीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? सो राइट डाउन फास्ट, इज इट इजी? Thank you.
होगा फ्रॉम वन एंड टू पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू. सो दिस इज अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर. है ना इजी है, लर्न करने की जरूरत है नहीं. ओके सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर क्या होता है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर टू पेपर प्रेशर ऑफ पेयर सॉल्वर. सो वी नो दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन. Therefore, relative lowering of paper pressure is equal to P1 naught minus P1 upon P1 naught, where P1 naught is the paper pressure of pure component, P1 is the partial pressure of solvent. But हमें और एक formula पता जो अभी हमने derive किया था कि delta P is also equals to P1 naught into x2. Just हमने derive किया Boyle's law से. So delta P की जगह पे हमने क्या रखा P1 naught into x2. So P1 naught P1 naught क्या हो गया cancel. So relative lowering of paper pressure is also equals to where x2 is mole fraction of solute. Therefore हम क्या लिख सकते हैं P1 naught upon P1 is equal to P1 naught into x2. मतलब relative lowering of paper pressure is equal to mole fraction of solute. Hence again it is a colligative property because it is depend upon number of solute particle and independent of number of solvent. Clear? So write the head. It tells us something relative lowering of paper pressure. अभी लिखते समय short short में लिखो, लेकिन paper में पूरा लिखना. Okay? Relative. It is a ratio. It is a ratio of. Heading डाल दिया आपने relative lowering of paper pressure. उसमें first point लिखो. It is a ratio of. It is a ratio of lowering of paper pressure. It is a ratio of paper pressure lowering or lowering of paper pressure to just to paper pressure of pure solvent. It is a ratio of paper pressure lowering or lowering of paper pressure to paper pressure of pure solvent. Okay? What did everybody? किसी को प्रॉब्लम है? जो हमने लिखा है मतलब जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी है उसी को हमने फॉर्मूला के टर्म में कन्वर्ट किया है. वेपर प्रेशर लोअरिंग इज गिवन बाय डेल्टा पी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज गिवन बाय पी वन नॉट. देयरफॉर आर एल वी पी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट. अभी हमारे पास डेल्टा पी के दो फॉर्मूले हैं. एक फॉर्मूला है पी वन नॉट माइनस पी और दूसरा फॉर्मूला है पी वन नॉट इंटू एक्स टू. दोनों के वैल्यूज हमने पुट किए एंड फाइनली दोनों लॉ से क्या निकला कि पी वन नॉट अपॉन सॉरी पी वन नॉट माइनस पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू. ओके फटाफट से लिखो. Thank you.
प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नेक्स्ट पॉइंट देयरफॉर इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देयरफॉर इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया तन्वेश क्या लिखा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 के बराबर है ना X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देयरफॉर लास्ट पॉइंट में THERE नहीं लिखना देयरफॉर का मतलब तीन डॉट ट्राइंगल के जैसे है तो देयरफॉर लिखने में टाइम चला जाएगा देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इतने बार वेरी 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 बोला है इसका मतलब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनुइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक तो उसका डेरिवेशन या एक तो उसका न्यूमेरिकल डेफिनेटली एंड डेफिनेटली होगा समझ में आ रहा है दिस टॉपिक इज लिटरली ओके वेरी इंपॉर्टेंट एक तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन दोनों में से डेफिनेटली आएगा हर साल आता है ओके अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ मतलब क्लियर नहीं है कि जिसमें आइदर एक्सप्रेशन या आइदर न्यूमेरिकल नहीं आया होगा न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आएगा 2 मार्क के लिए ओके सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन देखो मैं आपके टेक्स्ट बुक में नहीं बता रही हूँ जो क्वेश्चन आता है उस फॉर्मेट में हेडिंग बता रही हूँ रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग क्वेश्चन ऐसा आएगा क्या आएगा क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ पेपर प्रेशर लोअरिंग एंड आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है हेडिंग मोलर मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम पेपर प्रेशर लोअरिंग वन एंड द सेम ओके नाउ प्लीज जानो सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज गिवन एज यस अभी हमने डिराइव किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज गिवन एज डेल्टा पी अपॉन P1 naught इज इक्वल टू X2 यस और नो वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग इज गिवन एज डेल्टा पी अपॉन P1 naught इक्वल्स टू X2 सो X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या होता है दिस इज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन बताया बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान सबका यहाँ पे ही होना चाहिए फॉर बाइनरी सॉल्यूशन X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 बट फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन अभी ये बाइनरी सॉल्यूशन कैसा है बहुत ही डायल्यूट है मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा सॉल्यूट कम तो मैं लिख सकती हूँ कि N2 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू N1 अरे यस और नो क्योंकि डायल्यूट सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट कितना सा जैसे देखे एक बकेट पानी में एक चुटकी भर नमक डाल दिया नमक दिखेगा टेस्ट आएगी पानी को तो वैसे ही मतलब जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत कम है मतलब N1 प्लस N2 की वैल्यू में N2 की वैल्यू नेग्लिजिबल है यस तो देयरफॉर N प्लस N2 कैन बी रिटन एज N1 ओनली बिकॉज N2 की वैल्यू क्या है बहुत ही कम है फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू है 1 और N1 की वैल्यू है 0.1 तो N2 की वैल्यू N2 की वैल्यू है 0.1 तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या वैसे ही जो डायल्यूट सॉल्यूशन है N2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होता है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इसीलिए टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में हम N2 को कंसिडर नहीं करेंगे सो दिस इज कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दिस इज इक्वेशन
क्वेश्चन नंबर थ्री. सो फ्रॉम टू एंड थ्री क्या लिख सकते हैं? यस, एक्स टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन. यस, एक्स टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, राइट. नाउ व्हाट इज एन टू? एन टू इज मोल ऑफ सॉल्यूट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? अरे मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास. देयरफॉर एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, वेयर डब्ल्यू टू इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड एम टू इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. बड़ा बेसिक फॉर्मूले डेफिनेशन जिनको पता है, ठीक है, घर में जाके पढ़ लेना जो भूल गए. देन एन वन कौन है? यस, एन वन कौन है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स? ओके, डब्ल्यू वन अपॉन एम वन. इसको हम क्या लिखेंगे? दोनों को इक्वेशन नंबर थोड़ा सा अरेंज करना, दोनों को मिलकर हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर फोर. सो वेयर डब्ल्यू वन इज मास ऑफ सॉल्वेंट एंड एम टू इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. Okay, now we will put this value in the equation number. So equation ID is what? This is equation number 4 and consider it as equation number 5. So from 4 and 5, yes, kya ho jayega? Okay, from 1, 2, 1, 4 and 5, kya ho jayega? Delta P is equal to P1 naught is equal to N2 की वैल्यू क्या हो गई? W2 upon M2 upon W1 upon M1. ठीक है, ये इधर तो क्या हो जाएगा? W2 into M1 upon W1 into M2. Therefore, delta P is equal to P1 naught into W2 into M1 upon W1 into M2. So this is the relation between, मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग मोलर मास से कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. Got it everybody? Yes. Is it easy? Yes. Okay, okay. Ek baar jaan lo. Yes, barabar hai? So, relative loading of vapor pressure ka formula kya hai? Delta P is upon P1 naught is equal to X2. Okay? So, X2 matlab N2 upon N1 plus N2, where N2 is the moles of solute and N1 is the moles of solvent. This is for binary solution. अगर डायलूट सॉल्यूशन है तो उसको क्या होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. हेंस इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वी कैन निगलेक्ट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इट मींस एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एन वन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू इज वेरी स्मॉल, सो इट्स नॉट कंसिडर. सो दोनों इक्वेशन से हमने क्या लिखा? एक्स टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन. नाउ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास. सो एन टू बिकम्स डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, where W2 is the mass of solute and M2 is the molar mass of solute. And N1 kya hota hai? Moles of solvent. N1 ka formula kya hai? Mass of solvent upon molar mass of solvent. Okay? So, sab ki value equation 1, 4 and 5 ko consider karke humne kya likha? Delta P upon P1 naught is equal to W2 upon M2 divided by W1 upon M1. So, jo division mein and denominator mein upar jayenge to formula kya bata? Apna W2 into M1 equals to, sorry, upon M1 into M2. So this is the relation between vapor pressure lowering and molar mass of solute. Okay, what is the value of delta P here?
यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी? पी वन नॉट माइनस पी वन. ओके, नाउ दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड पोलर मास ऑफ सॉल्यूट. यस, डेल्टा पी क्या होता है? तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट के तो फाइनली हमारा ये लास्ट फॉर्मूला बना. And now we have to solve the numerical on the basis of this formula. Is it easy? So remember, you have to write three of pehle Rod's law, baad mein relative lowering of vapor pressure and this relation two times in a homework copy. Got it everybody? Ye roz aap log karoge beta, ye learn karne wali cheez nahi hai. Samajh mein aa raha hai? Aap jaise numerical form karte ho maths mein, वैसे ही ये derivation है. ठीक है, एक बार आपको समझ में आया तो आप हमेशा के लिए उसको भूल नहीं सकते.